तहरीक के नौजवानों को मोटिवेट कर रहे हैं वो यकीनी तौर पर काबिल सताइश है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का एक नया और सुनहरा दौर शुरू होने वाला है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पहले 5-6 महीने जो अब गुजर चुके हैं ये हमारी हुकूमत के लिए बहुत ही कठिन और मुश्किल वक्त था, मगर अल्लाह ताला का फजल है कि अब हम उन मुश्किलात से निकल चुके हैं और कौम एक नई सोच के साथ एक नए रुख की जानिब गामजन है। मैं इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेडरेशन की जानिब से, उसके पेट्रन की हैसियत से, मैं आज तमाम शुरका को और मेरे बहुत दोस्त सिंध और खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं, मेरे पुराने साथी हैं, मैं उन सब को खुशामदीद कहता हूं। मैं समझता हूं कि अब इंसाफ तहरीक एंड कल्चरल फ्रंट जो है, हमारा फेडरेशन जो है, ये एक ऐसा इदारा बन चुका है, ये एक सिर्फ फेडरेशन नहीं है बल्कि ये एक कौमी इदारे की हैसियत अख्तियार कर चुका है और मुझे यकीन है कि आइंदा 5 साल इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत है और उसके बाद भी इंशाल्लाह 5 साल हमारी हुकूमत रहेगी, ये इदारा, ये इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर और हमारे तमाम नौजवान साथी जो हैं वो ना सिर्फ तहरीक इंसाफ का, अपने हलकों का, अपने इलाकों का, बल्कि अपने मुल्क का नाम ना सिर्फ पाकिस्तान में रोशन करेंगे बल्कि दुनिया में रोशन करेंगे। हमारे चेयरमैन पाकिस्तान के काबिल फख्र वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़िंदगी एक स्पोर्ट्समैन की हैसियत से गुजरी और अब वो पाकिस्तान के हरदिल अज़ीज़ हुक्मरान हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी इस कौम के लिए वक्फ कर दी थी, उन्होंने खेल के मैदान में दुनिया में जो कामयाबी हासिल की वो आज तक पाकिस्तान में कोई ऐसी कामयाबी हासिल नहीं कर सका है। उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के लिए, गरीब अवाम के लिए जो इदारे बनाए, शौकत खानम हॉस्पिटल, नमल यूनिवर्सिटी, इमरान खान फाउंडेशन, वो भी अपनी मिसाल आप हैं और अब पाकिस्तान के अवाम ने उनको पाकिस्तान की बागडोर उनके हाथ में पकड़ा दी है और अब वो दिन रात 14 से 16 बल्कि 18 घंटे काम कर रहे हैं ताकि मुल्क के मसाइल हल हों, पाकिस्तान एक खुशहाल ममलिकत बने, पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात दूर हों और यही वो अज़्म है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना जज्बा जो आज मुझे यहाँ नज़र आ रहा है उस जज्बे में इस चीज़ को शामिल करें कि आपने ना सिर्फ खेल के मैदान में बल्कि मुल्क की कौमी ज़िंदगी के हर शोबे में आपने इसी जज्बे के साथ काम करना है, इसी जज्बे के साथ आपने कामयाबी हासिल करनी है। आपने पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के नौजवानों के साथ मिलकर आपने उस शोबे में कामयाबी हासिल करनी है जो आपकी महारत है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे एथलेटिक्स हो, कोई भी खेल हो, अगर आपने उसमें महारत हासिल करके अपनी महारत हासिल करके उसमें अपना नाम रोशन किया तो उसका वो जो नाम रोशन करेंगे वो